दोस्तों आज के इस वीडियो में तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके KVS PRT से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करने वाला है। नंबर एक पर होगा नॉर्मलाइजेशन, नंबर दो पर होगा इसका कट ऑफ और नंबर तीन पर बात करने वाले हैं इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है इंग्लिश को लेकर, कैसे करना है, कैसे होगा, ओवरऑल हर चीज के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जिससे जो आपके दिमाग में थॉट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ उतनी नहीं है इस चैनल की जिससे आपको लगे कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं ट्रस्ट आप पर क्रिएट कर पाऊँ। तो अगर आप वाकई चाहते हैं और बाद में अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो अंत में जरूर बताइएगा कि जो चीज़ें मैंने कही हैं, या जब आप इंटरव्यू देकर आए तब बताइएगा कि मैंने जो जो चीजें यहां पर आपसे बोली हैं उनमें कितनी सत्यता थी या नहीं थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने नॉर्मलाइजेशन को लेके। नॉर्मलाइजेशन का अगर हम लोग बोलें तो यहां पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस कंडीशन में मुझे क्या लगता है 99% की नॉर्मलाइजेशन अप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि एप्लीकेबल होगा, पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन को अब की बार KVS में अप्लीकेबल किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद को आप ये समझिए 2-3%, इससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या रहने वाला है कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में अगर प्रेडिक्शन करें तो कट ऑफ में अप्रॉक्स, मैंने पहले भी अपने वीडियोज में कहा है, मैं अब भी वही चीज़ रिपीट करता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होता है तो कट ऑफ 125 प्लस जाने वाला है, मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही कट ऑफ जाएगा। पर अगर नॉर्मलाइजेशन बाय डिफॉल्ट 1% हो जाता है उस कंडीशन में इसकी फोरकास्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो जो 125 के प्लस कैंडिडेट हैं वो सभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देखने को मिलने वाला है इसके बीच में, क्योंकि अभी जैसे रिजल्ट निकल कर आएगा तो अप्रैल में आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। उस कंडीशन में अगर अभी आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा तो आप वो प्रिपरेशन के लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस वजह से अगर 125 प्लस हैं तो उस कंडीशन में आप प्रिपरेशन कंटिन्यूसली कर सकते हैं, तो अगर इंटरव्यू देने का मौका मिले तो आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाए। ये तो दो मायन बात हो गई। अब बात करते हैं तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि आप अगर कोई भी वीडियो उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले बोल रहे हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए। कि क्या वाकई में इतनी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज करेगी आपके इस इंटरव्यू के अंदर, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एक लाइन में बोल दूँ तो बोल दूंगा हाँ ठीक इंग्लिश इम्पॉर्टेंट होगी, पर आप एक चीज़ सोचिए कि एक मंथ के अंदर आपकी क्या इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में कई लोगों को ये डर लगता है कि भाई इंग्लिश तो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, और अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो जब तब नहीं होगी तो उसके बाद आदमी डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इंग्लिश उतना रोल नहीं करेगी आपके KVS के PRT के इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि अगर ओवरऑल टाइम देखा जाए तो 15-20 मिनट तक का पर कैंडिडेट का इंटरव्यू चलता है, जिसमें से मोस्टली 2-3 मिनट का ही कम्युनिकेशन होता है, और जिसमें बेसिक सवाल, देखिए प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि कैसे सवाल आपसे जनरेट करके पूछे जाएंगे, पर नॉर्मली जो चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, क्योंकि हर सेगमेंट के हर जॉब का इंटरव्यू डिफरेंट होता है, पर उसकी जो कोर थॉट्स होता है वो सब का मेनली सेम होता है, क्योंकि एग्जामिनर को आपके बारे में कुछ खास नहीं पता होता, उसके पास आपकी CV होती है जिसमें आप अपनी चीज़ें फिल करके देते हैं जो KVS की तरफ से आता है। तो उस कंडीशन में 2-3 मिनट आपको सोचिएगा कि आपको जानने में, आपके बारे में जानने में, आपकी हॉबी जानने में कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं जिससे एग्जामिनर आपको आइडेंटिफाई कर पाए, आपकी साइकोलॉजी पकड़ पाए कि मतलब आपका जो लेवल है वो कितना रहने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर उसको आपकी नॉलेज टेस्ट करनी होगी तो वो नॉलेज आपकी टेस्ट कर चुका है और आप उस नॉलेज में खरे उतरे हैं 100%, तभी आप उसके सामने इंटरव्यू में बैठे हैं। तो जिन लोगों को इंग्लिश की प्रॉब्लम लग रही है तो उनके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपकी अगर मान लीजिए बिल्कुल इंग्लिश खराब है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल इंग्लिश खराब हो, अगर बिल्कुल खराब होगी तो उस कंडीशन में आप KVS निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी मार्किंग को गेन करने में। तो मैं समझता हूँ कि आपकी इंग्लिश एक ठीक ठाक है, 100 में अगर बात करें तो 50% आपकी इंग्लिश ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो एक चीज़ पे करें और वो है आपका इंट्रोडक्शन,
क्योंकि वही एक मेन कोर चीज होगी अगर जिसको आपने एक बार फ्लुएंसी में तैयार कर लिया। और वो जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, मैं आगे आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे सामने वाले को ये दिखाना है कि आप इतने परफेक्ट हैं कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज की ट्रिक्स होती है, आपको कैसे सामने वाले को, सामने वाला आपको जज कर रहा है, बस उस कंडीशन में आपको ये दिखाना है कि आप वो जिस पैरामीटर से आपको जज कर रहा है उस कंडीशन में आप बेस्ट होने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं आता तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पर फोकस करना है, और वो इंट्रोडक्शन काफी लॉन्ग होने वाला है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं होने वाला। जैसे नॉर्मली इंट्रोडक्शन में अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन पूछा गया तो मैं सबसे बोलूंगा माय नेम इज सूर्यांश एंड माय फादर नेम इज एंड माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन हॉबीज परसेंटेज लाइक दैट अचीवमेंट, ऐसी चीजें पर डिस्कस किया जाता है जो एक शॉर्ट फॉर्म में होता है। पर आपको ये थोड़े से लॉन्ग फॉर्म में तैयार करना है, जिसको आप क्या होगा जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक महीने में आपको कोई भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा, और ऐसे में अगर आप प्रयास करते हैं तो आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, और जब इंटरव्यू के गेट पर आप खड़े होंगे उस कंडीशन में आप काफी ज्यादा घबरा जाएंगे। तो आप लोग अगर इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी चाहते हैं, बेसिक लेवल से चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आके आपको इंग्लिश स्पीकिंग बोलनी शुरू करवा दीजिए, तो ऐसा कोई नहीं करवा सकता है। इंग्लिश के बहुत माइनर चीजें होने वाली हैं, 2 से 3 मिनट ही आपको दिखाना होगा कि आप इंग्लिश बोल लेते हैं। इसके बाद जो आपका 12 से 15 मिनट या 18 मिनट का इंटरव्यू चलेगा उसमें आपका डेमो होगा, पर मेन चीज आपकी डेमो में आपको दिखानी होगी। वहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल से ज्यादा आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आपको बच्चों को पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, बच्चे समझें, उनकी साइकोलॉजी पकड़ाना है, इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि इंटरव्यू बहुत टॉप होने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसे चैनल हैं जो ऐसी चीजें बता रहे हैं, उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आई थिंक लोग स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ मोटिवेट होना है और अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, उन सारी चीजों को निकल करते जो आपको नहीं आता वो नहीं आता उसको सीखने का प्रयास ना करें, आपको जो आता है उसको परफेक्ट करने का प्रयास करें। बस मैं यही चाहता हूं, और यही करने के बाद आप बहुत अच्छे नंबर अपने इंटरव्यू में पा पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और अगर दोस्तों आप चाहते हैं वाकई में कुछ अच्छा परफॉर्म करना तो सारे वीडियो देख के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश याद करने के लिए ग्रामर उठा लीजिए या प्रैक्टिस करना, ऐसी गलतियां मत करिए, इंप्रूव करिए, स्टेज बाय स्टेज इंप्रूव करिए, एकदम बर्डन मत डालिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका जो आपने मार्किंग अच्छी पाकर इंटरव्यू के लिए बैठे हैं जाके उस कंडीशन में आपको फेलियर देखने को मिले। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अब आपका इंटरव्यू ही डिसाइड करने वाला है कि आपको ये जॉब मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, तो इस वजह से इंटरव्यू पर ज्यादा फोकस करिएगा। मैंने इसके पहले भी कई वीडियोज बनाए हैं।